हम जब छोटे थे तो हमें बताया जाता था बांग्लादेश और जितना तो ईस्ट पाकिस्तान ना एक पाकिस्तान में तो काम ही कोई नहीं है बंगालियों को बच्चे पैदा करने के अलावा और बच्चे पैदा करते रहते हैं और जना फिर सैलाब आता है तो वेस्ट पाकिस्तान की सारी कमाई सैलाब पे लग जाती है अच्छा जी लैदा हो गए अच्छा जी लैदा हो गए मैंने अपने कानों से सुना हुआ नाइनटीन में हम फिफ्टी मिलियन थे तकरीबन आप छः करोड़ कह लें और वो थे पैंसठ साढ़े करोड़ थे आज वो साढ़े वो सत्रह करोड़ बीस लाख हैं हम पच्चीस करोड़ क्रॉस कर गए हैं हमारा 1950 से 2001 के दरमियान में 430 फीसद इजाफा हुआ आबादी का हम जब छोटे थे तो हमें बताया जाता था बंग्लादेश वो तो जितना अपना ईस्ट पाकिस्तान ना वो विक पाकिस्तान में तो काम ही कोई नहीं है बंगालियों को बच्चे पैदा करने के अलावा और बच्चे पैदा करते रहते हैं और जना फिर सैलाब आता है तो वेस्ट पाकिस्तान की सारी कमाई सैलाब पर लग जाती है अच्छा है जी लैदा हो गए अच्छा जी हो ये लैदा हो गए मैंने अपने कानों से सुना हुआ डेटा जब आप देखें तो नाइनटीन में हम फिफ्टी मिलियन थे तकरीबन आप छः करोड़ कह लें और वो थे पैंसठ साढ़े छः करोड़ थे हमारे से डेढ़ करोड़ ज़्यादा थे आज वो साढ़े वो सत्रह करोड़ बीस लाख हैं हम पच्चीस करोड़ क्रॉस कर गए हैं वो जो बच्चे पैदा कर रहे थे वो जो सब कुछ कर रहे थे हमारा 1950 से 2001 के दरमियान में 430 फीसद इजाफा हुआ है आबादी का ये हमारी और बांग्लादेश की एग्जांपल है लेकिन बांग्लादेश ने एक मॉडल दिया दुनिया को हमारा इसलिए मैं ये बात छेड़ रहा हूँ कि आज हम देख रहे थे ये जो थ्री डे कॉन्फ्रेंस थी और उसमें आर ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशंस क्या होना चाहिए ओ भाई द व्हील देख लो बांग्लादेश में क्या हुआ वहां के प्लानिंग कमीशन ने एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट बनाया पॉपुलेशन प्लानिंग का जिसने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बनाई और उसमें उन्होंने छह मिनिस्ट्रीज को डाला फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को यह जिम्मेदारी दी गई कि औरतों की नौकरियों फंक्शनल एंड फैमिली प्लानिंग लिटरेसी थ्रू रूरल कॉपरेटिव करें ये एक फंक्शन आ गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इंट्रोड्यूस किया पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन इन इंदर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स वो भी इसके अंदर इन्वाल्व हो गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनकॉर्पोरेट किया पॉपुलेशन एजुकेशन एक्डीमिया एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन साइंसिस एट ढाका यूनिवर्सिटी अच्छा ये सब कुछ हो रहा है तो साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने सारी प्रमोटिंग फर्टिलिटी रेगुलेशन वेरियस मीडिया चैनल्स ये सारा शुरू कर दिया और जब सारा कुछ हो रहा था तो फिर जो एक और उन्होंने बनाया पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटीज़ बनाई नेशनल और सब नेशनल लेवल्स में टू कोऑर्डिनेट अक्रॉस सेक्टर्स और पूरे एम्बेड जो उनका नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल थी लेट बाय द प्राइम मिनिस्टर छः सात मिनिस्ट्रीज का पूरा नेशनल प्रोग्राम बनाया वो चीज़ें की आज उनका दो परसेंट से नीचे है ग्रोथ रेट आज वो साढ़े सत्रह है हमारी टोटल जो है ना एक्सपोर्ट्स वो तकरीबन खड़ी हुई थी तेईस बिलियन दो हजार तेईस में सिर्फ उनकी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट थी सैतालीस अरब डॉलर्स थी ये वो लोग थे जो बच्चे पैदा कर रहे थे और वेस्ट पाकिस्तान को खा रहे थे जो हम सुनते थे सिंपल प्लानिंग सामने प्लान है डू वी सी एनी प्लानिंग देर हमें यहाँ सेंस ऑफ अर्जेंसी वो मैं सुन रहा था उसने प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे एजुकेशन इमरजेंसी यहाँ तो पॉपुलेशन इमरजेंसी चाहिए बिल्कुल आ, बात यह है मालिक जो आपने ये चीजें बताई आई मीन दिस सीम प्रिटी लॉजिकल आपको ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लग रही ना इट्स नॉट पॉसिबल के हमें इम्प्लीमेंट हुआ प्रोग्राम। एग्जैक्टली सो यही चीज़ें हैं आई थिंक एक जो हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स रह जाते हैं और एक वो जो लॉन्ग टर्म विजन है ना आपने जो बात की ये इनकी जो कंसिस्टेंट रही है ना इम्प्लीमेंटेशन एज फार एज all these actions related to population management are concerned no matter which government came this remained one of the priorities so this is a national vision that continue beyond any political party it is it, i mean it's not just population it's if you see Hamto, you know if you see around us uh, एक, the begums of बंगाल उनको कहते हैं कि ना कभी खालदास या कभी सीना वाजिद वो कोई कोई हार्वर्ड एजुकेटेड या स्टैनफर्ड की वो नहीं थी वो नॉर्मल दोनों ही नॉर्मल एवरेज एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर्स थी उनकी भी गवर्नमेंट्स आपस में एक दूसरे के गले काटते रहे लेकिन ये चीज़ें चलती रहीं और हम हमारा अनफॉर्चुनेटली अभी आ, हम पॉलिसीज़ बनाते हैं हमने टारगेट सेट किए हुए हैं दो में एक पूरी सी सी आई अप्रूव पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर एक रोड मैप है विच इज़ एन एक्सलेंट रोड मैप वे, बट हम कंसिस्टेंटली अपने टारगेट्स मिस कर रहे हैं सो देर इज अ सीरियस सीरियस इश्यू ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड वो वो तो नजर आता है वाई इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर आई मीन इसमें कॉम्पिटेंसी की बात आप करेंगे तो आई वु से वी लैक कॉम्पिटेंसी बिकॉज ये कोई इतनी वो उस वाली बात नहीं है कि वी डोंट हैव कॉम्पिटेंसी बट फॉर एग्जाम्पल जस्ट जिससे कि एक चीज़ है जो मैं ये कहूँगी जैसे हम बांग्लादेश की एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनका जो पॉपुलेशन प्लानिंग में पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट है वो अबाउट थ्री पॉइंट टू टू ज़ीरो डॉलर्स है हमारी उससे आधी से भी कम है तो कमिटमेंट नज़र कैसे आएगी जब आप रिसोर्स एलोकेट करेंगे जब आप उन रिसोर्स को

अगर ये अनएजुकेटेड होगा सब कुछ होगा फिर धमाके होंगे आगे लगेंगी मुझे सिर्फ ये समझाएं कि ये डॉट्स क्यों नहीं जोड़ते लोग जो आपने सबसे पते का सवाल किया वो एक लफ्ज था वाई ये वाई कैसे हुआ हम इस पीरियड के दौरान क्या हुआ कि हम 40 से 20 पे आ गए हमने माशी फैसला साजी की है सियासी असर और रसूख के बगैर बांग्लादेश की आप बात करते हैं हमारे हाँ है ही सियासत जो चीज इस वक्त आप इस स्टूडियो में बैठे डिस्कस कर रहे हैं ये फैसला साज शख्सियात या फैसला साज इदारों में इसकी कोई बात नहीं होती इसकी कोई अहमियत नहीं होती मैं इसका हमने दे... हमने ये काम कर दिखाया पिछले तेरह महीनों में मैं तो डेटा पढ़ रहा था जितना आप डेटा पढ़ते हैं आपका दिमाग और खराब होता है डेटा में यह नजर आता है कि जो सबसे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं करते ज्यादा बच्चे वो ही सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनमें बच्चों की अमवात की शरह ज्यादा है फैसिलिटीज नहीं है गुर्बत है बीमारी इलाज नहीं हो पाता तो वो रिप्लेस करते हैं कि मेरे पास चार पांच बच्चे तो हों ना दो तीन बेटे हों बुढ़ापे में, में मेरा सहारा बनेंगे कमाएंगे वो वो उनकी ओल्ड एज इंश्योरेंस है जिसके अंदर तो वो यूथ में उनको तबाह कर देते हैं, बिकॉज उनको ना उनके पास पैसे होते हैं पढ़ाने के ना उनको ट्रेनिंग्स देने के ना कुछ तो एक विशेष साइकिल बन गई है जिसमें सबसे जो ज़्यादा गरीब है वो अपने आप को और गरीब कर रहा है जो मिडिल क्लास वाला है वो लोअर मिडिल क्लास में तब्दील हो रहा है तो ये बड़ी विशेष साइकिल है